माय डियर फ्रेंड, हाई प्रोफाइल पैकेजेस के जो लोग हैं 40 क्रॉस करना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजर सुपर हाउस में 60 तक में, एक में वाटर सॉल्यूशन, फैक्ट्री मैनेजर, फिटर वेल्डर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सर्विस इंजीनियर, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर, सुपर हाउस सुपरवाइजर, ये 2 लाख से 10 लाख, इसमें कुछ इंटरव्यू चालू हो गए हैं। कई लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग इंटरव्यू चालू हुए हैं और डिटेल आपको एक दो दिन में पता चलती रहेगी। साइट डिफेंस में सेल्स मैनेजर 4 लाख टू 10 लाख, नीनो फॉक्स में जो बैंगलोर में इनके एचआर हैं, ये आज उनको फाइनल सुबह जेडी बताना था, आज मैंने रिमाइंडर दिया तो ये लीव में चले गए, तो आप कल बताएंगे। लीड प्लानर एंड वेयरहाउस ऑपरेशन एमजी बिल्डर्स में तो मैं बता ही चुका हूँ, पीए2 डायरेक्टर, आईटी सेल्स एग्जीक्यूटिव, एचआर रिक्रूटर, मैनेजर लखनऊ पे है, विक्रांत ग्रुप जनरल मैनेजर मार्केटिंग 6 लाख टू 10 लाख, ल्यूसेंट बायोटेक फीमेल इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीकॉम। ये फोन इस टाइम पे आता है तो बहुत गड़बड़ जाता है, फ्लाइट मोड में लगाना पड़ेगा इस टाइम पे। नहीं, ल्यूसेंट बायोटेक विक्रांत में जनरल मैनेजर मार्केटिंग, ल्यूसेंट बायोटेक फीमेल इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीकॉम कॉस्टिंग अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड एमएस ऑफिस, विराज में फैक्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर, ग्लोबल क्लासरूम एचआर मैनेजर, मुथूत फिनांस ब्रांच हेड, सूर्या टेलीकॉम सेल्स मैनेजर, 1K टेक्नोलॉजीज एरिया सेल्स मैनेजर, अरविंद टेक्नोक्रेट सीनियर सेफ्टी मैनेजर, विक्रांत ग्रुप पैकेज 7 to 11 लाख, मैं पैकेज बताना भूल गया, 1K में 3 लाख टू 6 लाख, सूर्या में 3 लाख टू 6 लाख, मुथूत में 3.5 लाख से 5 लाख तक का बहुत एरिया है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ और बीएन में। विक्रांत ग्रुप में प्लांट हेड 5 लाख टू 8 लाख, ज्ञान डेयरी ये 1 से 5 के बीच में फाइनल होना है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू MD 8 लाख टू 15 लाख। कई लोग JD मांग रहे हैं, कई लोग को लग रहा है कि इसका JD मिल जाए, तो वो अभिषेक सर को मैसेज कर दें JD के लिए। फोरेस्टा मेडटेक सर्विस मैनेजर 7.5 लाख टू 9 लाख, मोनिटी सी एंटर सप्लाई चेन मैनेजर 35, क्या मोबिलिटी सर्विस इंजीनियर क्लस्टर मैनेजर 6 लाख, स्पेयर पार्ट एग्जीक्यूटिव 25, सुप्रीम इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस हेड 15 लाख, जेगमनी जनरल मैनेजर में फाइनल होने जा रहा है 10 लाख टू 20 लाख, ट्राइडेंट परचेज मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख, इसमें थोड़ा देर से हो रहा है, सीजू टेक प्राइवेट लिमिटेड में 7 ब्लैंड्स और डेवलप कॉपी लियर पटना, जयपुर, कानपुर, अरविंद टेक्नोक्रेट सीनियर सेफ्टी मैनेजर, एल्डिको जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, इंडिया थर्मेट परचेज मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख। रोज़ आपको जब रिपीट आप वही कंपनीज देखते होंगे तो कभी कभी आप बोर हो जाते होंगे, आपको लगता होगा वही कंपनी, कानपुर में कंपनियाँ थोड़ी ना बदल जाएंगी, प्रोफाइल बदलेंगी या वही प्रोफाइल चलेगी, ये भी लोग कुछ ज़्यादा उम्मीद करते हैं, सर आज हमने वीडियो देखा था वही भी वही कंपनी है, अब ये नहीं समझ रहे कि कंपनी अगर चल रही तो हम प्रयास करते रहें, एफर्ट्स करते रहें, कंपनी तो वही रहेगी, कानपुर में स्टैब्लिश कंपनी थोड़ी ना बदल जाएंगी, प्रोफाइल चेंज होगी, उस पर कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई वैकेंसी नहीं हुई, कंपनीज़ प्रोबेबली सेम वही रहेंगी। देखिए, और जो बेसिकली अभी मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स के साथ में एक नई चीज़ आती है कि सब कुछ वो फ़ोन से रिमाइंडर देना सबके लिए बहुत आसान हो गया। माय डियर फ्रेंड, अभी क्या हो गया कि कंपनीज़ की जब लिस्ट बड़ी हो जाती है तो मेमोरी में कोई अगर फ़ोन करके पूछ दे तो मुझे कुछ कंपनी भी ज़रूरी नहीं आपके लिए याद आ जाए, आप थोड़ा सा टाइम देंगे, बैठेंगे, 2-4 बात आपसे डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन करने में आप कुछ कंपनीज़ का नाम लेंगे। अभी कंडीडेट का सर हम मेटल इंडस्ट्री में जाएंगे, मतलब मेटल इंडस्ट्री के ऐसा 4-5 नाम बताओ, तो 3 नाम बता पाए, और 3 नाम में तुम कंपनीज़ में हम कर ही रहे काम, और जबकि उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, जब वो सामने आया तब मुझे पता चला कि हाँ ये 5 कंपनीज़ में और जा सकता है, उसको खुद नहीं पता है। इसलिए कभी कभी ऐसा है कि आप कंपनी देख रहे हैं और कंपनी आप इससे देख करके हमारे सामने आ रहे हैं तो 3 कंपनी आपको और बता सकते हैं, उनसे बात करके भेज सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग फ़ोन करें सर मेरे लिए कुछ देखा है क्या आपने, ये डायलॉग नहीं चलेगा। आपको वीक में कितने भी आप सीनियर हो, जूनियर हो, आप वीक में एक बार अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो यू मस्ट हैव ए विजिट, आपके पास विजिट आपको ज़रूर करनी है, और अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे नेटवर्किंग में भी कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं, अदर ऐसी प्रोफाइल हैं जिसमें, और भी कई ऐसी प्रोफाइल हैं जिसमें हम लोगों ने शायद भी इसमें नहीं अभी बोल पाए, वो जब आप सामने आ रहे होते हैं तो कभी कभी हम लोग उसमें बात करते हैं, मार्केटिंग सेल्स में भी यही है। और मैंने एक बात और देखी है, जो जितना सीनियर कैंडिडेट है वो ये उम्मीद कभी कभी करता है मैंने कि सब कुछ यहीं से हो जाए, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपका आना वीक में एक बार ठीक रहता है, जैसे वेनसडे थर्सडे को आपको टाइम लग गया, अच्छा आप आ जाइए, मंडे को कंपनीज़ में ज्वाइनिंग के लिए भेजना होता है, ट्यूजडे को रिमाइंडर देने होते हैं, बीच में आकर के एक बार देख लीजिए, टाइमिंग थोड़ा सा रखिए सेकेंड हाफ का,
सेकेंड हाफ का टाइमिंग में क्या होता है कि ढाई से लेकर के चार के बीच का जो टाइमिंग है या दो से चार के बीच का टाइमिंग है जिनको लग रहा है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दो से ढाई थोड़ा सा हम लोगों का बिजी रहता है, कई सारे और टास्क रहते हैं जिसमें बिजी रहता है कंपनीज में। तो जो लोग बेसिकली सीनियर कैंडिडेट हैं जो 50 के ऊपर का पैकेज चाह रहे हैं या 60 के ऊपर का पैकेज चाह रहे हैं तो उनको मैं सेकंड हाफ में ज़्यादा एडवाइस करता हूँ, क्योंकि सेकंड हाफ में जिनसे मुझे बात करनी होती है वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं अपने फर्स्ट हाफ के जो टास्क होते हैं उसको करने के लिए। क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं कि मैं उनको एकदम फ़ोन कर दूँ, कुछ लोग तो 10 बजे मुझे फ़ोन करके बता देंगे कंपनी, कुछ का स्टाइल है कि वो 12 बजे 2 बजे के बाद बताएंगे कि आज आप इनको अभी भेज दीजिए या शाम को भेज दीजिए या कल भेज दीजिए। तो सबका अपना अलग अलग एक कम्फर्ट जोन है। तो सीनियर कैंडिडेट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा जो 40 50 60 और 80 और 1 लाख के ऊपर के पैकेजेस के हैं, एटलीस्ट उनको एक बार वीक में विजिट जरूर करनी चाहिए। अगर वो किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो मैसेज एक रिमाइंडर भेजें, बट उसको ही आदत मत बना लें, ठीक है, वही आदत है। सब कुछ फ़ोन से मत मांगिए, ये जो डिजिटल में सब कुछ करिए, लेकिन कभी कभी आप जब फिज़िकल आते भी हैं तो वाइब्रेशंस भी आपकी आती हैं, इसीलिए हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशंस के लिए जाते हैं, उन वाइब्रेशन का भी असर बहुत पड़ता है। इसलिए सब कुछ फ़ोन से नहीं हो सकता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। और हम लोगों के पास भी लिमिटेशंस हैं कि कितने लोगों को फ़ोन से रिप्लाई दिया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊँ, लगभग 1000 ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे जिसमें मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाऊँ। आई कैनॉट आंसर एवरी प्रोफाइल, मैं सबको प्रोफाइल का आंसर नहीं दिया जा सकता है, कभी कभी कुछ का दिया जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए कि एक लिमिटेशंस है। आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे पोर्टल्स इसीलिए फ़ोन नंबर अपने नहीं देते हैं या कोई कमेंट्स उसमें आप उनको कुछ कर पाएँ या उनको फ़ोन से बात करके आप पूछ पाएँ नहीं देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ईजिली एसेसिबल रहें, और शायद जितनी हम लोग के पास में कॉल्स आती हैं उनका हम लोग रिप्लाई देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि किसी एक कैंडिडेट का भी जिसने फेथ इस में किया उसके लिए हम लोग एफर्ट्स लगातार करते रहें। और माय डियर फ्रेंड, एफर्ट्स अगर आपके जेन्युइन हैं, ईमानदार हैं, अंदर से अगर आपकी सोच में पॉजिटिविटी है तो ये पूरा जो प्रकृति है आपका साथ देती है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysorejob.com। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सकारात्मक सोच के बढ़िए कि अब होने ही वाला है, अच्छे दिन आने ही वाले, आ गए। थैंक यू।